ताई जी की गढ़वाली, प्योर गढ़वाली बोली ताई जी भाई। ताई जी नेपाली भी बोली? ना नेपाली, नेपाली बोली है। अब माइक कौन सी नेपाली में? भाई इसमें सेब देखो भाई, ये देखो पहाड़ी सेब, ये देखिए पहाड़ी सेब। सेब क्या, सेब कितने रुपए किलो? सेब है। अभी आलू निकालते हैं, देखते हैं भाई आलू मिलते हैं नहीं मिलते हैं। कितने आलू मिले अभी? आलू तो मिले मिले, सेब भी मिल गए भाई। तो ये खासियत है अपने ऊपर पीर सेन में आने की। हुसन पहाड़ों का क्या कहना है, बारो महीने। और देखो यहाँ लड़ाई होने वाली है, लड़ाई होने वाली, भगा भगा भगा। तो चलिए भाई दोस्तों, अभी बाइक निकाल दी है और यहाँ से चलते हैं भाई अभी पीर सेन। तो आज हम जा रहे हैं पीर सेन, तो अभी दिन के 1 बजने वाले हैं और अभी हम पीर सेन जा रहे हैं आलू लेने। तो यहाँ से अभी बाइक निकालते हैं पहले। दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं रोड में, तो यहाँ से मैं और गट्टू जाने वाले हैं पीर सेन। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल? तो अभी मैं और गट्टू जा रहे हैं पीर सेन। तो आज हम जा रहे हैं गट्टू किस लिए? आलू के लिए, आलू लेने। तो आज हम आपको बताएंगे भाई अपने जो पीर सेन के फेमस आलू है वो कैसे होते हैं, कितने रुपये किलो हैं। तो चलिए भाई यहाँ से चलते हैं पीर सेन। रोड तो काफ़ी प्यारी है यार यहाँ की, ये देखिए भाई आप रोड भी। बहुत सारे भैंसे हैं भाई, और देखो यहाँ लड़ाई होने वाली है, लड़ाई होने वाली, भगा भगा भगा। पहले मैं आपको ना अपना चौथान क्षेत्र का खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ। अरे यहाँ का नज़ारा देखो भाई, आप कितना मस्त हो गए। तो दोस्तों अभी हम गांव से ऊपर आ रखे हैं, ये मैखुली गांव है और हमारा गांव है ठीक नीचे। तो हम गांव से अभी ऊपर आ रखे हैं मैखुली के ऊपर टॉप में, और यहाँ से देखो भाई अपना चौथान क्षेत्र का खूबसूरत नज़ारा। तो यहाँ से भाई अपना चौथान क्षेत्र का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है, लेकिन आजकल ना धुंध लगी हुई है, कोहरा लगा हुआ है हल्का हल्का, इसलिए आपको यहाँ पर ना क्लियर नहीं दिखाई देगा। और गट्टू भी मेरे साथ आ रखा है, ये आज स्कूल नहीं गया, इसका कुछ काम था घर पे। चलिए भाई दोस्तों यहाँ से निकलते हैं पीर सेन की ओर। और सुबह से हिचकियाँ बहुत ज़्यादा, सुबह से बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आ रही है। कौन याद कर रहा है भाई, कमेंट करके ज़रूर बता दो, इतना भी याद मत करो। हिचकियाँ वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ मैं, ये देखिए भाई। चलो भाई मिलते हैं आपको सीधा ऊपर। और जो हमारे गांव का नेटवर्क है जियो का, वो ठीक सामने है यहाँ पर मैखुली के टॉप में, तो यहाँ से हमें नेटवर्क मिलते हैं। चलिए भाई अभी हम चलते हैं आगे। तो अभी दोस्तों हम पीर सेन से ऊपर पहुँच गए हैं, और दोस्तों आज से ना बारिश से आप देख सकते हो भाई लैंडस्लाइड हो रहा है पूरा का पूरा। और रोड देखो भाई कितनी दस गए हैं, यहाँ पर पूरी रोड चली गई, जो रोड वहाँ तक थी बाहर तक, तो यहाँ से आप देख सकते हो भाई पूरी रोड नीचे दस गई है यहाँ पर। ये देखिए भाई वो भी गिर गया है पूरा का पूरा। नमस्कार, नमस्कार सरवा भाई, सुनो तो सही बात, बात तो सुनो। अरे इधर बात तो सुनो, बात तो सुनो यार। भाभी कैसे शर्मा रही है यार? भाभी कैसे शर्मा रही है? नमस्कार, अरे सुनो तो सही बात है, शर्मा मत, बाल बाल छोगी अब क्या शर्मा लगी? आलू 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 खाना है, आलू खाना, आलू के लिए। हाँ तुम अच्छा नहीं, तुम अच्छा नहीं, अरे हमें ऐसे आलू का खाना तो सही। अच्छा खाना भाई, अरे यार ऐसे मजाक नहीं करा यार। तो अभी हम पहुंच गए हैं पीर सेन में, आलू लेने, भाभी ने तो मना कर दिया है। आलू अरे जान चढ़ हम देख, हम तो खाली 5 या 6 किलो चाहिए, देखते हैं भाई कहाँ मिलते हैं। पीर सेन तो आ गए हैं आलू के लिए, पीर सेन तो काफ़ी फेमस है आलू के लिए, लेकिन लोगों ने अभी ना खुदाई नहीं की है, शुरुआत है खुदाई करने की। मन भर चाहिए हो,
तो दोस्तों अभी हम आए थे पीर सेंटर में, यहाँ पर भी नहीं है, ये भी मना कर रहे हैं। अब चलते हैं भाई आगे, देखते हैं कहाँ मिलते हैं। बस हमारे पीर सेंटर ना आलू के लिए फेमस है, और खेती देखो आप आलू की, उस साइड भी देखो आप, पूरी की पूरी खेती आलू की ओर की है। ऊपर साइड चुंगोर, ऊपर भी आलू है, उधर भी आलू है, सेब भी लगे हुए हैं। सेब तो दे दिया खाना खाने, गट्टू जा रहा है चोरी करने, वहाँ सेब लगे हुए हैं और ये सेब की चोरी करने जा रहा है। ये देखो ये चोरी करने चले गया भाई, सेब की चोरी करने चले गया, चोर चोर चोर। बता तो नीचे आ तो, ये देखो भाई गट्टू सेब चोर के लेके आ गया वहाँ पेड़ पे से, और यहाँ पर आपको सेब नाशपाती बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेंगे। ये देखो भाई पहाड़ी सेब, ओहो भाई क्या मस्त हो गया, मुझे छोटा वाला दियो। ये देखो भाई पहाड़ी सेब, ये है भाई हमारे पहाड़ी सेब, और देखते हैं भाई कैसा हो रहा है, मीठा या खट्टा। बहुत मीठे हो रहे हैं यार सच में, तो भाई पहाड़ी सेब काफ़ी मीठे हो रहे हैं, और सच में मीठे हो रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा मीठे, और चोरी वाले तो बहुत मीठे होते हैं भाई। और दोस्तों देखो भाई पहाड़ की एक खासियत, यहाँ पर आपको ना मधुमक्खी दिख जाएंगे, और ये देखो भाई कुछ इस प्रकार का इनका छत्ता यहाँ बना रखा है घर के अंदर, यहाँ पर देखो ये है, और इस साइड भी है, ये देखो उस साइड भी है, घर के अंदर रहते हैं भाई यहाँ पर ऐसे करके, वहाँ पर भी मधुमक्खी दिखाई देंगे आपको, मालकिन जी वहाँ पर है, अगर तो डर लग रहा है कि कहीं पर मधुमक्खी ना काट दे। तो ये है भाई पहाड़ी आलू की खेती, और बहुत सारे आलू की खेती है यहाँ पर, ऊपर से लेके लास्ट उधर तक आपको आलू देखने को मिलेंगे, लेकिन इन लोगों ने अभी यहाँ पर खुदाई नहीं की है, और कटू भाई देख रहे हैं आलू निकलते हैं या नहीं निकलते, अफसोस भरे सेब खा ले यार, तब जोर से कर ना, सीधे आलू निकल गया, ये देखो निकल गया, अरे यार क्या पहाड़ी आलू निकल, बता ये देखिए भाई पहाड़ी आलू, आपको बताते ये देखो भाई क्या यू ठीक है जी, ठीक है जी यू तो हाँ झोलता बतो मिलल बद्दू ऐसी भाई यार पर तो अभी हमें दो आलू मिले हैं, मात्र दो आलू, और 5 किलो चाहिए वाला हमें। अभी आलू निकालते हैं, देखते हैं भाई आलू मिलते हैं नहीं मिलते हैं, कितने आलू मिले अभी, 3-4 आलू मिले, 5-6 निकाल 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 भाई आलू, अरे देखो क्या बड़े बड़े आलू, बताए ऐसे बताए हाथ पे, अब तो भाइयों को खाने निकाल, ये देखिए भाई पहाड़ी आलू, ये देखो निकल गया, अभी हम खुदाई कर रहे हैं आलू के, देखते हैं भाई कितने आलू मिलते हैं हमें। हाँ भाई प्रणाम, प्रणाम बेटा प्रणाम। तो ताई जी आ रही है अभी नाशपाती लेके, देखो थैला भर भर के, देखो भाई ये देखो पूरा कट्टा नाशपाती है, ये देखिए भाई दोस्तों पूरा पूरा नाशपाती का कट्टा है, ये जाएगा यहाँ पर दुकान में जाएंगे ये, और इसमें भी नाशपाती है देखो। हाँ 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 ये उन्हें सेब यार, ये देखिए नाशपाती, ये देखिए भाई नाशपाती, कट्टू ने सेब छोड़ दिया है, कट्टू ने सेब छोड़ दिया है, इसके बाद ये है पहाड़ी सेब, देखो तो सही इसका ये भाई पहाड़ी सेब, ये पहाड़ी नाशपाती। तो यार पीर सेंटर में आके हमें बहुत कुछ मिल गया है, एक कट्टा ये है भाई नाशपाती का, और एक कट्टा हुआ है, और एक कट्टा आलू हो चाहिए, पर ना आलू ना नाशपाती, ये देखो भाई नाशपाती मिल गए बहुत ज़्यादा यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है पहाड़ी सेब, बहुत मीठे हो रहे हैं इसमें, इसमें सेब देखो भाई, ये देखो पहाड़ी सेब, ये देखिए पहाड़ी सेब, सेब क्या, सेब कितने रुपए किलो, सेब है 50 रुपए, 50 रुपए किलो, इतने सस्ते सस्ते हैं, अरे ताई बहुत सस्ते हैं, ये देखो भाई तो ये देखिए भाई यहाँ पर सेब भी मिल गए हमें, और ताई जी जैसे बता रही है ना 50 रुपए मात्र 50 रुपए किलो, इतने सस्ते मार्केट में, ताई जी 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, ये देखो पहाड़ में इतने सस्ते मिल रहे हैं आपको, अभी इतने प्योर सेब, वो भी देखो नेचुरल मीठे मीठे सेब, ये देखिए भाई 50 रुपए किलो, यार कहाँ जाके मिलेगा ये सेब, 50 रुपए किलो सेब मिल रहे हैं आपको। तो पीर सेंड में आना, और सेब नाशपाती आलू जो भी चाहिए आपको लेके चले जाना, 50 रुपए किलो सेब, 30 रुपए किलो नाशपाती, और आलू है 25 रुपए किलो। तो चलो भाई अभी ताई जी की हेल्प करते हैं थोड़ा, जो कट्टा है ना इसको दुकान में तक पहुंचाना है, तो गट्टू इस कट्टे को बाइक में ले जाएगा यहाँ पर से सामने तक,
ये पहले आओ तो दे तब बहन हट चू हट घंट आराम से जाए। ये तो गट्टू अभी दुकान में रखा आएगा, दुकान सामने ही है, ज्यादा दूर नहीं है। एक कट्टा रख के आ गया गोटू, अब दूसरा कट्टा हम भी जाते हैं। ये हम चले अली शहर है बीच में, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भीड़ हो रखी है काफी यहाँ पर, और इस दुकान में रखने पे हम नहीं है ये नाशपाती और गट्टू इकट्ठा रख दिया पहले ताऊ जी। तो ये है भाई ताई लोगों की दुकान, और यहाँ पर रखने हैं इनको अभी, और फिर यहाँ से हम चलेंगे। आए तो हम आलू लेने थे लेकिन यहाँ पर हमें मिलेंगे नहीं आलू। और ये है भाई यहाँ पर बीरचंद सिंह गढ़वाली द्वार, आपको तो बहुत बार बता रखा है मैंने, सीधे सामने दादाजी की मूर्ति है सामने ठीक, और ये गेट है, और यहाँ पर बहुत भीड़ हो रही है। भाई लोग कहाँ से आ रहे हैं, भाई लोग बिन सर से बटोना चाहिए क्या, बिन सर बिन सर से आ रहे हैं भाई लोग को खक जी कन्हू रख। अच्छा तो ये है भाई बिंदेश्वर मार्ग, ये देखिए। चले भाई दोस्तों यहाँ से आपको फील्ड में लेके चलते हैं, और वहाँ से आपको खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं नीचे साइड का चौतान क्षेत्र का अपना। सामने आप देखो भाई आलू की खेती कितनी ज़्यादा और की है। आए तो हम आलू लेने थे लेकिन वहाँ पर कोई है नहीं, यहाँ पर जाना था हमने और वहाँ पर कोई नहीं है। इस साइड आप देख सकते हो कोहरा लगा हुआ है पूरा बिंदेश्वर साइड को, और ये है भाई हेलीपैड हमारे यहाँ का, ये देखिए भाई आलू लेने। अब यहाँ से जाएंगे मंदिर से होके उस साइड को, और हमें ना आलू तो अभी मिले नहीं, लेकिन अभी हमें सेब वगैरह मिल गए हैं, हमने यहाँ पर छुपा रखे हैं, अभी देखते हैं भाई कोई ले जाता है नहीं ले जाता यहाँ से। और यहाँ भी आप देख सकते हो भाई आलू आलू, यहाँ पर पूरी खेती आलू की और की है, लेकिन अभी ना खुदाई नहीं चल रही है आलू की, थोड़ा टाइम लगेगा, एक दो हफ्ते और लगेंगे तब लोग आलू खुदाई करना शुरू कर देंगे। चलो भाई अब देखते हैं भाई हमें कहाँ पर मिलते हैं आलू, अभी चल रहे हैं हम आलू ढूंढने। एक छानी यहाँ पर है, एक उस साइड को है, तो वहाँ देखते हैं। बहुत बड़ा ये नमस्कार, आलू खाना शुरू कर ली, आलू खाना शुरू कर ली। अच्छा जी, तो चलो भाई बॉर्डर के पास मिल गए हमें आलू, देखते हैं। और यहाँ पर हमारे बॉर्डर जी रहते हैं, देखते हैं भाई क्या कर रहे हैं अंदर। देखो भाई बॉर्डर जी कैसे रहते हैं अपने छन्नी में, ये हाँ चंद पहचान बॉर्डर। अरे बॉर्डर नमस्कार, तुम आप के चाहिए, हम तो आलू खड़ा है चाहिए, और हम बोल बॉर्डर पूछने पहले छह चकनी छी अभी निखा छी। अच्छा ये देखो भाई हमारे, ये हमारे बीरचंद सिंह गढ़वाली जी, उनके भतीजे हैं पेशावर कांड के मान नायक बीरचंद सिंह गढ़वाली, उनको तो जानते होंगे आप, उनके ये भतीजे हैं हमारे बौड़ा जी। चलो भाई बौड़ा यहाँ पर तमाम पी रहे हैं आराम से, तो गोर चल गई गुआ चिकी दूध वगैरह दूं चू ना। अच्छा अभी आना आज, हाँ अच्छा अच्छा ठीक ठीक बढ़िया है। तो चलो भाई बॉर्डर ने तो अभी आलू खोदे नहीं है क्योंकि अभी शुरू हो रहे हैं, ओहो तो कुछ टाइम बाद शुरू हो जाएंगे आलू खोदना। तो अभी हम चलते हैं आगे ढूंढते हैं जहाँ पर हमें मिल जाएंगे, आगे देखते हैं कहाँ पर मिलते हैं। गोटू पता नहीं कहाँ घुस गया तारों के अंदर, ऐसे लग रहा है कि चोरी करने जा रहे होंगे हम, हैं तो
और यहाँ पर भी आलू की खेती है। आलू की खेती के साथ साथ यहाँ पर सेब के पेड़ देखो, आगे इधर से आगे सेब के पेड़ पेड़ देखो यहाँ पर। और भाई लोग भी आलू ले जा रहे हैं, ये आलू ले जा रहे हैं भंडारी। नमस्कार, पहचान ले हम तो नहीं पहचाने, कहाँ से आप लोग रन गाँव गए? अच्छा बढ़िया बढ़िया, तो भाई लोग भी आलू लेने आ रखे, चलो बढ़िया बढ़िया, ओके जी। और सेब के पेड़ देखो भाई, पूरे के पूरे यहाँ पर बगीचा बना रखा सेब के पेड़ का, उस साइड से भी सेब है सेब है, और इन पर सेब भी आ रखे देखो। ये देखो भाई यहाँ पर एक सेब बचा हुआ है, वो भी खा रखा है यहाँ पर पूरा चिड़ियों ने, ये देखिए। और बहुत बढ़िया है, और रखे भाई यहाँ पर सेब, हम खा लेते तोड़ लेते हैं इसको, इस चिड़िया ने खा रखा है, बहुत मीठा होता है भाई ये। और मैं देखता हूँ इसे चख के, इस साइड से चख के देखता हूँ, पहले पूछ लेते हैं यार, वैसे तो बारिश से धुल रखा है वो, तो पूछ लेते हैं। बहुत मीठे हो रहे हैं यार, इस साइड देखो पूरा सेब के पेड़ हैं, जहाँ पे तक दिखाई दे रहा है आपको, चलते हैं भाई आगे। और ये देखो भाई क्या बना रखा है यहाँ पर, हट जैसा मस्त, यहाँ पर ना पत्तियाँ रखी हुई हैं, और ये पत्तियाँ ना गाय बच्चियों के नीचे बिसाए जाते हैं ताकि ठंड ना लगे उनको। और यहाँ पर रखी हुई पत्तियाँ, यहाँ पर काकड़ी का बेल यानी लगला है, और उस पर काकड़ी भी आई नहीं है। और हमारे जो बसंत भाई वीरेंद्र भाई वो यहाँ रहते हैं, ये देखो। ताई जी नमस्ते, ओहो भाई साहब बढ़िया, बसंत भाई और क्या हाल चाल? ठीक है और प्याज भी हो रखा है भाई, घरे प्याज है लगा रखा था कि हो रखा है ये लगा रखा था? अच्छा वो क्या है वीरेंद्र, वीरेंद्र काम पे जा रखा है। तो भाई हमारे दोस्त की माता जी हैं और हमारे दोस्त के भाई जी हैं, और ये यहाँ रहते हैं आजकल। और ये इनका किचन है, देखो भाई किचन कितना प्यारा बना रखा है, ये अपना पहाड़ी स्वर्ग है देखो, ये भाई अपना पहाड़ी स्वर्ग काफ़ी प्यारा बना रखा है भाई। चूल्हा देखो यार क्या डिजाइन वाला मस्त बना रखा है, ये देखो चूल्हा क्या डिजाइन का बना रखा है मस्त, वाह यार ऐसे ही चूल्हा बनाना है भाई, ऐसे ही चूल्हा बनाना है। और मस्त काकड़ी का लगुला भी लगा रखा है इस साइड आलू भी लगा रखे हैं बहुत ज़्यादा। ये देखो भाई आलू पूरे के पूरे आलू की खेती हो रखे हैं यहाँ पर इस साइड, अभी लोग ले भी गए थे और अभी हम भी ले जाएंगे, इस साइड भी पूरे आलू हैं। और ये देखो भाई आलू खोद के रखे हैं, अच्छा चलो मात्र बढ़िया बढ़िया। ये देखो भाई आलू इधर फूल देखो यार, यहाँ पर फूल देखो यार दोस्तों, क्या प्यारा फूल हो रखा है यहाँ पर मस्त, वाओ यार ये वाला फूल देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये फूल देखो ये कितना मस्त फूल है, ये वाला फूल देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है, वाओ यार अफसोस। कोई बात नहीं, अरे चले गए, अरे कोई नहीं हम ऐसे दिखा देंगे। तो अभी आलू रख दिए, और ये है पहाड़ी आलू, ये देखो क्या मस्त हो रहा है यार, आलू ले लो आलू। अब बोल। चलिए भाई दोस्तों हमने तो आलू रख दिए हैं, अब रखते हैं आलू, हमें 5 किलो चाहिए मात्र, हमने कट्टे में रख दिए हैं। ये देखो भाई ऐसी हो गया, हो गया। अच्छा ले चंदू, तराजू भी रखा हुआ है यहाँ पर, चलो भाई बढ़िया। ये देखो ये बढ़िया, 6 किलो हो गए ना, चलो ठीक है। और ताई जी को देखो भाई क्या प्योर गढ़वाली बोल रही है, देखो ये देखो गढ़वाली है कैसे बाढ़ बनी वाले। देखो ताई जी ना नेपाल के हैं लेकिन प्योर गढ़वाली आ रही है, और जैसे हमारा दोस्त है ना इनका लड़का वो भी प्योर गढ़वाली बोलता है, और बसंत भाई भी गढ़वाली बोलते हैं, लेकिन ताई को देखो यार पूरे प्योर गढ़वाली बोल रहे ताई। और भादे बने भी हैं कपनौर था, अच्छा ती बरसी में, अच्छा आलू थीचे
ਤਕੇ ਕਾੜਦਾ ਭੋਗ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਕਾਰਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਅਰੇ ਸੁਣ ਜਮੀ ਆਈ ਉਪਨ ਆਲੂ ਯਖਾ ਯਖਾ ਬੇਰਾ ਬੇਰਾ ਵਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ ਪਸੰਦ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਤਾਈ ਜੀ ਕੀ ਗੜਵਾਲੀ ਪਿਓਰ ਗੜਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਤਾਈ ਜੀ ਭਾਈ ਤਾਈ ਜੀ ਨੇਪਾਲੀ ਬੋਲਨੀ ਨਾ ਨੇਪਾਲੀ ਨੇਪਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮਾਈ ਕੇ ਕੌਨ ਸੀ ਨੇਪਾਲੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੈ ਤੀਰੀ ਹਾਂ ਤੀਰੀ ਜੀ ਅਰੇ ਤਾਈ ਜੀ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਨੇਪਾਲੀ ਕੀ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾ ਜਾਈ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਪੰਨੀ ਨੇਪਾਲੀ ਨੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤਾਊ ਜੀ ਬੋਲਨੀ ਨੇਪਾਲੀ ਤਾਂ ਨਾ ਗੜਵਾਲੀ ਕਰ ਤਾਊ ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨੇਪਾਲੀ ਸਮਝ ਜਾਣ ਪਰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਿਓਰ ਗੜਵਾਲੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਜੈ ਇਨ ਪਿੰਨ ਦੀ ਨਾ बसंत भाई बोलते हैं हमारे नेपाली चलो भी बोल गए। अभी हमने ना आलू ले लिए और कितने रुपए किलो दे रहे हैं आलू बसंत भाई? बीस रुपए किलो। देखो मात्र 20 रुपए किलो आलू दे रहे हैं, सस्ता। अगर कोई और भी आना चाहता है तो ये सामने मंदिर है, रोड के सामने, वहाँ से आप नीचे आवाज लगा सकते हो ब्रेंदर भाई और आपको यहाँ पर बसंत भाई कुछ भी आवाज लगा सकते हो, आपको आलू मिल जाएंगे अगर आपको जितने भी आलू चाहिए। और ये भाई इनका सेब का बगीचा आलू का, ये पेड़ आपने लगा रखे ना? हमने लगाए थे पहले। अरे वाह यार, बहुत सारे पेड़ रखे हैं यहाँ पर। तो सेब बेचे नहीं कहीं? ना यार अभी हुई नहीं है, तो ये सोचे होता आलू के लिए ना। हाँ कटिंग कलम बोला। अच्छा हाँ हाँ, और खाद गोबर। हाँ हाँ, तो अभी शुरुआत है, मतलब पहला वो दे रहे फल? अरे हाँ वो तो है। और पीने का पानी ना, और इन लोगों का पीने का पानी देखो भाई यहाँ पर है प्योर, ये प्योर छुई का पानी है और आप इसको ना आराम से इजी पी सकते हो। ये भी इसको आराम से पीते हैं, काफी प्योर पानी है, ठंडा हो रहा है भाई पानी ठंडा। चले भाई घर निकलते हैं, और अभी हमें बसंत भाई ले जा रहे हैं सेब के बगीचे में। ये देखो भाई सेब के बगीचे, देखो यार कितने सारे सेब हो रखे हैं यहाँ पर। इस साइड भी देखो आप, सेब ही सेब हो रखे हैं। और ये देखो भाई, ये हरा हो रखा है अभी, ये देखो। हाँ चिड़िया खा के चली जा रही है ना। ये देखो भाई सेब, अभी नीचे क्या है, दाल है क्या? ये भट्ट, यहाँ पर भट्ट भी लगा रखे हैं और चिड़ियों ने खा दी यार सेब। बहुत देखो यहाँ पर क्या कैसे खा रखे हैं चिड़ियों ने, ये देखिए पूरे खा रखे हैं। बट ये साइड का ना मीठा हो रहा होगा, दूसरे साइड का जो खा रखे हैं। और ये देखो भाई अभी हरे हो रखे मस्त, ये लेट पकेंगे। और ये देखो भाई क्या मस्त हो रखे ना। चलो काफ़ी है, एक बार ज़्यादा मत तोड़ो, मैं भी खा रहा हूँ। हाँ हाँ हमारे काफ़ी है इतने आगे। ये देखो भाई सेब, आलू तो मिले सेब भी मिल गए भाई। तो ये खासियत है अपने ऊपर पीरसैंड में आने की, और यहाँ की जो खासियत है ना, आलू इतने प्यारे आलू सेब, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। बहुत मीठे हो रहे भाई। और ये देखिए भाई दोस्तों, आलू के साथ साथ भट्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, जो सोयाबीन जिसे हमारे यहाँ भट्ट बोला जाता है, वही ना सोयाबीन। देखो भाई सोयाबीन की यहाँ पर, और कुछ समय बाद यहाँ पर ये दाल शुरू हो जाएगी, और नीचे इस साइड में लगा रखे हैं। तो चलो भाई बारिश का मौसम भी बना हुआ है, चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बसंत भाई जी आपका। और जिसको भी संपर्क करना है, आलू के लिए संपर्क करना है, तो बसंत भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर बता दो अपना। नंबर बता दो, क्या होगा, कोई कॉल तो करेगा आलू के लिए? 9918 4841। हाँ तो आप कभी भी कॉल कर सकते हो। पीर चलो धन्यवाद है, ओके जी ओके, मिलते हैं। चलो जी अब निकलते घर, बारिश आने वाली है, सेब बहुत खा लिए, मीठे हो रहे हैं, मस्त मजा आ गया आज का। ये देखो भाई कितना लाल हो रखा है सेब, क्या काफ़ी मस्त हो रखा है यार, मीठा सेब। घटू के तो मज़े बल्ले बल्ले आ गए हैं, बहुत सारे सेब खा लिए इसने। ये मौसम बड़ा बस बोल दोस्तों, पीछे पीछे देखो भाई दोस्तों, व्यू देखो यार पीछे, वाह यार कोहरा लगा हुआ है। इस व्यू में घटू तुझे गाने याद नहीं आ रहा क्या? गाना आ रहा है हुस्न पहाड़ों का। ठीक है हुस्न पहाड़ों का लगा दो, तो लगा भी रखा है, लगा दो एक बार और लगा दो। हुस्न पहाड़ों का, हाँ हुस्न पहाड़ों का, अपना पहाड़ के साथ। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना है, बारो महीने यहाँ मौसम है जाड़ों का, झरने तो बहते हैं ओ साईबा, झरने
तो बहते हैं सन पहाड़ों का क्या कहना है बारो महीने क्या कहना है बारो महीने यहाँ मौसम है जाड़ों का। मैं पहुंच गए हैं, जय हो माँ दुर्गा। तो माँ दुर्गा के दर्शन करा दिए आपको, अंदर तो ताला लगा हुआ है। जय हो माँ दुर्गा का मंदिर है ना, दुर्गा शेर वाली माता, जय हो। ठीक है, और ठीक सामने भोलेनाथ जी के दर्शन कराते हैं आपको। तो ये है भाई भोलेनाथ जी ठीक सामने, और ठीक सामने है बजरंग बली हनुमान यानी भगवान श्री हनुमान जी का मंदिर, जय हो। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं घर पे, आलू लेके और सेब लेके भाई। तो अभी ना दिन के 2 बज रहे हैं और अभी हम पहुंच गए हैं घर पे। तो ये है भाई दोस्तों, हमें ना सेब भी मिले, नाशपाती भी मिले, गौतम ने कहाँ कहाँ रख दिए। तो दोस्तों आलू लेने गए थे और साथ में हमें सेब और नाशपाती भी मिल गए हैं। तो यही तो खासियत है यार अपने पहाड़ों की, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। अभी मीठे मीठे सेब खाते हैं, नाशपाती खाते हैं, और आप लोगों को भी चाहिए तो आप भी पेड़ से आना। 30 रुपये किलो आपको नाशपाती मिल जाएंगे, 50 रुपये किलो आपको सेब मिल जाएगा। तो अभी हम घर पर पहुँच गए हैं, तो मैं चलता हूँ अभी घर पर, थोड़ी देर में देखते हुए क्या क्या होता है। अरे एक तो गिर गया यार।